सो प्रीवियस वीडियो के जो हम वीडियोस में देखे थे, क्या देखे थे हम लोग? राइज ऑफ मौर्यन एम्पायर देखा था लेटर हाफ में, राइज ऑफ मौर्यन एम्पायर। उसमें मैंने कुछ चीज़ें बताया था, दैट इज़ अशोका का स्टार्ट हुआ था, अशोका है स्टार्टेड एट 269 BC में, उनका कोरोनेशन हुआ था टिल 261 BC तक, दैट इज उनके नाइन्थ ईयर ऑफ जो राज था उन्होंने कालिंगा वॉर किया था, कालिंगा वॉर, एंड आफ्टर दैट ही क्विट वायलेंस। ऐसा कहते हैं कि कालिंगा वॉर के बाद उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था, बुद्धिज्म को कम्प्लीटली अपना लिया था, एंड वॉज नॉट इन्वॉल्विंग इन ये, मतलब नॉन वायलेंस उन्होंने अपना लिया था पूरे तरीके से। सो दैट्स वाई, एंड ऑल्सो पूरे इंडिया में उनका जो पीरियड था वो पूरा एकदम एशिया के अफगानिस्तान तक चला गया था, एंड कालिंगा वॉर के बाद वो कालिंगा भी उन्होंने ले लिया था। नाउ व्हाट वाज हैपनिंग इज, ठीक है वो सब चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा आज के पीरियड में, जो कि दैट इज पोस्ट मौर्यन, आज जो पढ़ने वाले हैं पोस्ट मौर्यन एरा, फाइन, पोस्ट मौर्यन एरा के बारे में सब बताने की कोशिश करूंगा, विच वॉज ट्रांजिशन पीरियड था, जिस जहाँ पर बहुत सारी ट्रेड फ्लरिश हुई, एंड आई होप दैट यू हैव वॉच द प्रीवियस वीडियो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं कंपेयर करने वाला हूँ, एंड आई होप दैट यू हैव वॉच द प्रीवियस वीडियो, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल सब्सक्राइब इट, लाइक इट, एंड डू शेयर टू ऑल द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC एग्जामिनेशन। एंड ऑल्सो द राइट साइड में जो कि मैं चीज़ें आपको रिटन हैंडआउट्स दिखा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ PDF, दैट इज़ फॉर 50 rupees। अगेन आई एम सेइंग दिस, आई डोंट वांट दैट PDF टू बी लाइक एनी अदर PDF इन योर मोबाइल फोन विच यू एक्सेस वंस इन अ ब्लू मून, दैट्स वाई मैं 50 rupees चार्ज कर रहा हूँ, अदरवाइज यू कैन डेफिनेटली टेक अ स्क्रीनशॉट एंड आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नाउ विल लुक फॉर पोस्ट मॉडर्न एरा, ठीक है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, जस्ट समथिंग हैपेंड एट दिस टाइम। मैं सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, बाद में पता चला माइक कनेक्ट ही नहीं किया है, देखो, बट यू वोंट सी अ डिप इन माई कॉन्फिडेंस, ओके गाइज, सो विल स्टार्ट अगेन मौर्यन एम्पायर के बारे में स्टार्ट करेंगे अभी हम, पोस्ट मौर्यन एम्पायर। अभी देखो क्या हुआ था कि दिस वॉज टाइमलाइन जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, दैट इज यहाँ पर 200 BC था, यहाँ पर 200 AD था, यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्यन एम्पायर जो है वो डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था, यहाँ पर गुप्तास का राज स्टार्ट हुआ था। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन पीरियड राइट। सो यहाँ पर बहुत सारी ट्रेड फ्लरिश होना स्टार्ट हो चुकी थी, मौर्यन एम्पायर वॉज स्टिल 200 BC, फ्रॉम 200 BC टू 200 AD इट वॉज अ ट्रांजिशनल पीरियड बिकॉज अ लॉट ऑफ ट्रेड गॉट फ्लरिश्ड, एंड दिस पीरियड इज कॉल्ड एज पोस्ट मौर्यन पीरियड। ओके, नाउ देयर वॉज अ ह्यूज नंबर ऑफ फॉरेन इन्वेजन, यहाँ पर बहुत इन्वेजन आए, फॉर यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न साइड से हम लोग को इन्वेजन आया स्काइथियन के बारे में, स्काइथियंस, फिर उसके बाद पार्थियंस एंड कुशानास। नाउ पार्थियन को पल्लवास भी बोलते हैं, पल्लवास, एंड स्काइथियन को शकास, फाइन। सो यहाँ से हम लोग का इन्वेजन हुआ था इंडो ग्रीक का, सेलेकस निकेटर और मेगास्थनेस, ये सब चीज़ें, ये सब कौन है आपको पता होना चाहिए, प्रीवियस वीडियो में अच्छे से बताया मैंने, फाइन। सो देर वॉज अ ह्यूज नंबर ऑफ फॉरेन इन्वेजन इन इंडिया एट दिस टाइम हु वॉज रिस्पॉन्सिबल टू शेप इंडियन कल्चर, जो इंडियन का कल्चर है, इंडियन कल्चर यहाँ पर बहुत चेंज हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली इन्वेजन्स हो रहे थे तो ट्रेड भी होगा, वो लोग अपनी चीज़ें ला रहे थे, हम लोग उनको अपनी चीज़ बता रहे थे, हम लोग डेवलप कर रहे थे अपने आप को, फाइन। सो दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, द इम्पॉर्टेंट इन्वेजन वॉज स्काइथियन, शकास, पार्थियंस एंड कुशानास, देवर ट्राइब्स, नाउ दीज थ्री वर्स ट्राइब्स, ट्राइबल पीपल थे वो। ना ये लोग यहाँ पर क्यों एंटर किए वो मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। ना द स्काइथियंस पार्थियंस एंड कुशानास दीवर ट्राइबल पीपल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। ना इंडिया ऐसा है अपना, लाइक इट्स अ रफ डायग्राम गाइज, डोंट कंसिडर इट, यहाँ से वो एंटर किए थे इंडिया में, क्यों एंटर किया था, इट इज सेड दैट 222 BC में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बिल्ड करना स्टार्ट कर चुका था चाइना उस टाइम पे, तो वो क्यों बिल्ड करना स्टार्ट कर चुका था, क्योंकि ये जो ट्राइबल पीपल थे वो चाइना में इन्वेट करने की कोशिश कर रहे थे, तो दे डोंट वॉन्टेड दैट, सो दैट्स वाई ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बिल्ड हुआ एट 222 BC, एंड
दिस ट्राइबल पीपल स्टार्टेड इन्वेजन डूइंग इन्वेजन इन इंडिया एट दैट टाइम. ओके सो दैट वॉज द रीजन एट दिस टाइम. नाउ खैबर पास, खैबर पास एंड बुलंद पास. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. नाउ वाई इट इज इंपॉर्टेंट एंड आई पर्पजली रोट वाई इन द नोट्स बिकॉज आई वॉन्ट टू से दिस एंड आई वॉन्ट यू टू सर्च फॉर इट कि यहाँ पर खैबर पास है. यहाँ पर इफ वी वर लाइक उस टाइम पे जो भी रूलर था यहाँ पर 50 मीटर के भी दीवार बना देता था, 50 मीटर का भी दीवार बना देता था लाइक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना. इतना बड़ा था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, हम 50 मीटर का भी दीवार बना देते थे, कोई भी इन्वेजन नहीं होता था यहाँ से. नाउ एंड वी नो इंडिया, इंडिया इज अ पेनिनसुलर रीजन. यहाँ पर से हमको पता चल जाएगा अगर कोई भी इन्वेड करना चाहेगा तो, क्योंकि यहाँ ओशियन है एंड यहाँ पर हिमालय राइट, यहाँ से इन्वेजन करना पॉसिबल नहीं है इतने इजीली एंड यहीं से आते थे सब लोग. इसीलिए जो आर्यंस थे वो भी यहीं से इन्वेड किए थे. इंडो ग्रीक जो है वो भी यहीं से इन्वेड किए थे. बाद में मुगल्स फिर दिल्ली सल्तनत और ये सारे जो लोग हैं यहीं से इन्वेड किए थे. हम लोग तब कितने हज़ार साल तक हम लोगों ने यहाँ पर कुछ बनाया ही नहीं और लोग आते रहे थे, इन्वेड करना स्टार्ट कर चुके थे आराम से. वो लोग आते थे, लूट के चले जाते थे. दैट वॉज हैपनिंग, लिटरली हैपनिंग एट दैट टाइम. ओके सो नाउ विल स्टडी अबाउट डिक्लाइन ऑफ मौर्यास. नो सबसे पहला पॉइंट क्या है, डिक्लाइन ऑफ मौर्यास, वेरी इंपॉर्टेंट. डिक्लाइन ऑफ मौर्यास आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका. अशोका जब मर गए थे, अशोका द मौर्यन एम्पायर स्टेडिली डिसइंटीग्रेटेड एज अ सक्सेसर वर नॉट एबल टू कीप द वास्ट एम्पायर फ्रॉम फ्रैक्चरिंग अवे. नाउ आई हैव टॉट यू प्रीवियस वीडियो में क्या कि अशोका एम्पायर कहाँ पर, मौर्यन एम्पायर उन्होंने कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया था. दिस वॉज डाउन साउथ, इसको छोड़ के यहाँ अफगानिस्तान तक, यहाँ कालिंगा लास्ट वॉर उन्होंने लड़ा. फ्रॉम 269 BC उनका कोरोनेशन स्टार्ट हुआ था टिल 261 BC में उन्होंने आफ्टर नाइन ईयर ऑफ हिज टेन्योर ही अटैक्ड कालिंगा और उन्होंने वो भी जीत लिया था. उसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया था. नाउ इट इज़ अ वेरी वास्ट किंगडम राइट. अशोका उस टाइम पे इट वॉज अ सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस. ना सेंट्रलाइज गवर्नेंस मतलब क्या होता है कि बीच में बैठ के राज करने वाले को सेंट्रलाइज गवर्नेंस बोलते हैं, कि बीच में बैठ के हर जगह पर उनका राज था, मतलब वो कंट्रोल कर रहे थे बीच में बैठ के. नाउ सिंस इट वाज अ सो ह्यूज जगह टू कंट्रोल, सो इट रिक्वायर्ड अ स्ट्रांग पावर. ठीक है, स्ट्रांग राजा चाहिए था उस टाइम पे टू कंट्रोल ऑल इतना बड़ा सा जगह. सो अशोका वॉज डूइंग इट वेरी इजिली उस टाइम पे. दैट्स वाई ही वॉज सो पावरफुल एंड वाई ही वॉज सो पावरफुल, उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया था अपने आप को. ही वॉज ऑल्सो वेरी क्रूअल. ये सारी चीज़ें प्रीवियस वीडियो में बताई है मैंने, इफ़ यू कैन रिमेंबर. बट इट स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटेड बिकॉज अशोका के बाद किंग्स वर नॉट दैट ग्रेट, नॉट दैट पावरफुल. सो इसलिए धीरे धीरे से साइड से उनको रेजिस्टेंस मिलना स्टार्ट हो चुका था. तो दैट्स वाई वो इतना कंट्रोल करके नहीं रख पा रहे थे नेक्स्ट जो भी किंग्स थे. मौर्यन एम्पायर वॉज सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, जो मैंने बताया आपको. ऑल्सो द रीजन फॉर डिसइंटीग्रेशन वॉज न्यू पॉलिसीज लाइक नॉन वायलेंस डेफिनेटली. कैसे, क्योंकि कालिंगा वॉर के बाद अशोका ने बुद्धिज़्म अपना लिया था. सो वो इतना ज़्यादा वायलेंस पर बिलीव नहीं कर रहे थे उस टाइम पर. फाइन, सो फीडिंग लार्ज आर्मी. ना क्या होता है कि जब उन्होंने इतना बड़ा सा जो एरिया है कवर कर लिया था उनके इसमें, तो उनके पास बहुत सारी स्टैंडिंग आर्मी थी डेफिनेटली राइट. इतना बड़ी जगह को कॉन्कर करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा आर्मी चाहिए थी और उसके बाद वो लोग कहीं पर भी वॉर पे नहीं जा रहे थे, तो इतनी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को फीड करने में ही उनका आधे से ज़्यादा ट्रेजरी खत्म हो गया और वो कहीं और जगह पे लूट भी नहीं कर रहे थे, तो उनको ट्रेजरी कहाँ से मिलेगी. यहीं से वो अपनी ट्रेजरी इन पे फीड करने में ही चली जा रही थी. सो दैट वॉज ऑल्सो अ रीज़न. नो एक्सपेंडिशन मतलब और कोई जगह को नहीं लूट रहे थे वो लोग. सो दैट हैपेंड. दैट्स वाई लाइक मौर्यन एम्पायर जो है वो कम होना स्टार्ट हुआ. जाते जाते 200 BC में उनका डिक्लाइन स्टार्ट हो गया एंड 200 BC से 200 AD तक दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट मौर्यन. नाउ वी विल सी अबाउट इमर्जिंग ऑफ न्यू किंगडम्स. नाउ सेकेंड इज इमर्जिंग ऑफ न्यू किंगडम्स. इंडिपेंडेंट किंगडम अरोज आउट ऑफ प्रोविंसेस. प्रोविंसेस ऑब्वियसली छोटे छोटे वो लोग ग्रुप बना के स्टार्ट कर चुके थे. फॉरेन इन्वेजन्स वर अकेरिंग इन द नॉर्थ वेस्ट
नॉर्थ वेस्ट में कौन आ रहा था? नॉर्थ वेस्ट में स्काइथियन, पार्थियन एंड कुशानास। कालिंगा डिक्लेयर्ड इज इंडिपेंडेंस, कालिंगा ने सबसे पहले अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था उस टाइम पे। सो एक चला गया तो ऑब्वियसली अगर एक चला गया तो सब फॉलो करेंगे। सो ये हुआ। फिर उसके बाद इन द साउथ द सातवाहनास, सातवाहनास आर इंपॉर्टेंट गाइज, इस पे क्वेश्चन आया है। नाउ आई हैव ओनली टच्ड ओनली वन पेपर, कौन सा? CAPF का, UPSC CAPF 2020 का पेपर निकाला मैंने, उसमें से ऑलरेडी मेरे दो वीडियोस में से चार क्वेश्चन आ चुके हैं। सो आई वॉन्ट यू टू वॉच एवरी ईच एंड वर्ड केयरफुली, लिसन इट केयरफुली। सातवाहनास पे भी क्वेश्चन है, ठीक है? सो सातवाहना रोज पावर एंड इन द गैंगेटिक प्लेन्स शुंगा डायनेस्टी रिप्लेस द मौर्यन। सातवाहनास जो है डेक्कन में थे, डेक्कन में उनका ये था, इंडो गैंगेटिक जो प्लेन है, गैंगेटिक जगह है वहाँ पर, ठीक है? नाउ शुंगा डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी जो है उन्होंने डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी ने मौर्यन एम्पायर को रिप्लेस कर दिया था, मौर्यन एम्पायर को रिप्लेस कर दिया था सक्सेसफुली। एंड शुंगा डायनेस्टी वॉज, शुंगा डायनेस्टी वॉज ब्राह्मिन्स, ब्राह्मिन्स का डायनेस्टी था वो डायनेस्टी, क्योंकि उनका राजा जो है वो ब्राह्मिन को फॉलो करता था। पुष्यमित्र, पुष्यमित्र शुंग वॉज द किंग, अगर वो जो रिलीजन को फॉलो करेगा डेफिनेटली उनका जो राज्य है वो भी वही रिलीजन को फॉलो करेगा, राइट? सो दैट वॉज हैपन एंड वील सी समथिंग अबाउट शुंग डायनेस्टी एंड एम्पायर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? थर्ड इज शुंगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ गाइज, शुंगा डायनेस्टी कब से कब तक है? 185 BC से 73 BC तक, लाइक ऑलमोस्ट 100 प्लस ईयर्स, दैट्स इट, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब उनका लास्ट था तब उनके मिनिस्टर ने, मैं बताऊँगा। पुष्यमित्र शुंगा वॉज ब्राह्मिन एंड वॉज द आर्मी चीफ ऑफ बृहद रथ एंड ही वॉज द लास्ट किंग ऑफ मौर्यन एम्पायर। एंड पुष्यमित्र शुंगा वॉज द आर्मी चीफ था वो इधर, और इन्होंने ही एक मिलिट्री परेड के टाइम पे इस बृहद्रथ को मार के अपने आप को थ्रोन पे बिठा दिया था अपने आप को। सो ड्यूरिंग द मिलिट्री परेड ही किल्ड बृहद्रथ एंड एस्टैब्लिश हिमसेल्फ ऑन द थ्रोन इन 185 में या 186 जो भी है, अपने आप को एस्टैब्लिश कर दिया था। पुष्यमित्र शुंगा कैपिटल वॉज पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र कौन सी जगह है अभी का? पटना। ना पटना हम बहुत बार सुन रहे हैं क्योंकि उस टाइम पे लाइक गंगा और यमुना दोनों साथ में बह रहे थे, तो उसके बीच में अपने को आयरन की अवेलेबिलिटी बहुत थी, दैट्स वाई पटना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारी डायनेस्टी वहीं रहना चाह रही थी, क्योंकि दैट वॉज वेरी रिच एट दैट टाइम, दैट प्लेस वॉज वेरी रिच। ही सक्सेसफुली काउंटर्ड अटैक्स फ्रॉम टू ग्रीक किंग्स नेमली मिनेंडर जो कि वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिमेट्रस। मिनेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इनका मेंशन है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मेंशन है इनका, फाइन। एंड डिमेट्रस को भी उन्होंने कॉन्कर किया था सक्सेसफुली। ही ऑल्सो थ्वार्टेड एन अटैक ऑन कालिंगा किंग कौन था उस टाइम पे? खारवेला ने, मतलब कालिंगा के किंग खारवेला ने उस टाइम पे पुष्यमित्र शुंगा डायनेस्टी में अटैक किया था, लेकिन इन्होंने इनको वापस हरा दिया था उस टाइम पे। सो ही वॉज दैट ग्रेट एट दैट टाइम, ओके? सो गाइज अगेन आई एम सेइंग दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू नो दिस नेम, दिस इज वेरी मिनेंडर, डिमेट्रस एंड कालिंगा किंग खारवेला, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कैसे रिमेंबर करोगे इन सब चीज़ों को? यू हैव टू गॉट टू वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन, आई एम टेलिंग यू, चार बार वीडियो देखो, क्वेश्चन पेपर में आपको पॉइंट दिख गया तो अपने आप याद आ जाएगा। एटलीस्ट वॉच इट 4 times, एटलीस्ट गिव सम टाइम फॉर इट सो एज टू रिमेंबर, ठीक है? सो अदरवाइज इफ यू वॉन्ट टू राइट टेक डाउन ऑफ नोट्स यू कैन डेफिनेटली, अदरवाइज PDF चाहिए तो PDF भी ले सकते हैं आप मेरे से। नाउ फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, राइज ऑफ शुंगा, यहाँ बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, सो लिसन ऑल द थिंग्स वेरी केयरफुली। विदर्भा को कॉन्कर किया था उन्होंने, विदर्भा इज अ प्लेस एट दैट टाइम, स्टेट था वो उनके नीचे, उसको कॉन्कर किया था उन्होंने। ही फॉलोड ब्राह्मणिज्म, ब्राह्मण थे वो,
वो ब्राह्मण थे एंड उनका स्टेट का रिलीजन भी ब्राह्मणिज्म था. सम अकाउंट्स टू पोर्ट्रे हिम एज अ परसिक्यूटर ऑफ बुद्धिस्ट एंड अ डिस्ट्रॉयर ऑफ स्तूपास. नाउ स्तूपास, स्तूपा क्या है? Ask yourself, what is stupa? If you don't know, I have explained this in the previous video. So watch that. Guys, I am not saying this because I want you to learn. मुझे आता है, 10 बार पढ़ चुका हूँ मैं. So I want you to watch the video again. क्योंकि मैं बता सकता हूँ, I know what is. Stupa is a dome-like structure, जिसमें बुद्धा का जो है, sculpture रखा जाता है. So I know everything. So I want you guys to know. अगर आपको नहीं पता था, तो I don't know what you guys are doing. Watch the videos carefully. Every word is important, okay guys? So this is very important. ऐसा कहते हैं कि पुष्यमित्र जो है वो स्तूपास को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, बट इट हैज़ नो एविडेंस. ऑल्सो ड्यूरिंग हिज रेन द स्तूपा एट सांची में एंड बरहुत में उन्होंने स्तूपा को रेनोवेट कराया था. सो ऐसे कैसे हो सकता है कि उन्होंने एक साथ में रेनोवेट भी कराया और एक को डिस्ट्रॉय भी किया? सो इट डू नॉट हैव एनी एविडेंस, बट स्टिल इट वॉज मैंशन, दैट्स वाई आई हैव टोल्ड यू दिस. ही बिल्ट अ स्कल्पचर ऑफ स्टोन गेटवे सांची. स्टोन गेटवे, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टोन गेटवे भी बनाया था उन्होंने एट सांची में. सो ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं. फाइन, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस. ही परफॉर्म वैदिक सैक्रीफाइसेस सच एज अश्वमेधा, राजसूर्य एंड वाजपेय. नाउ अगेन, ब्राह्मण थे तो सारी चीज़ वेदास की जो भी चीज़ है वापस आनी स्टार्ट हो गई यहाँ पर. क्यों आनी स्टार्ट हुई? क्योंकि वो ब्राह्मण थे तो ऑब्वियसली ब्राह्मणिज्म को फॉलो करेंगे वो. बुद्धिस्ट को क्यों करेंगे वो? राइट, बुद्धिस्ट को क्यों करेंगे? बट ही नेवर डिस्करेज बुद्धिज्म ऑल्सो. नेक्स्ट पॉइंट इज पुष्यमित्र शुंग पेट्रनाइज संस्कृत ग्रामेरियन. संस्कृत ग्रामेरियन, वो ग्रामेरियन थे जो कि उनको मतलब ग्रामर का बहुत अच्छा नॉलेज था संस्कृत का. तो पतंजलि यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस हो चुका था. पतंजलि मतलब क्या, अभी क्या चल रहा है ये? क्योंकि ये ब्राह्मण थे, सारी चीज़ें जो 1000 BC में जो चल रही थी वो सारी चीज़ें इन्होंने वापस इंट्रोड्यूस करवा दी थी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पुराना. नाउ 1000 BC में क्या चल रहा था हमारा? वेदास. अभी क्या चलेगा अपना? पुराणास. ओके गाइस, सो ही डाइड इन दिस, पुष्यमित्र डाइड इन 151 BC में वो मर जाते हैं. एंड हिज रेन लास्टेड 36 ईयर्स. 36 ईयर्स तक वो अपना राज करते हैं. द नेक्स्ट रूलर आफ्टर पुष्यमित्र वॉज अग्निमित्र. अग्निमित्र वो इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आ चुका है UPSC में. दैट इज द नेक्स्ट रूलर आफ्टर पुष्यमित्र वॉज अग्निमित्र. ओके, अग्निमित्र वॉज हीरो ऑफ कालिदासाज मालविका अग्निमित्री. मालविका अग्निमित्र. नाउ वॉट इज दिस? इट्स अ लव स्टोरी बिटवीन मालविका प्लस अग्निमित्र. अग्निमित्र के बीच में लव स्टोरी का वो कालिदास का लिखा हुआ है, कालिदास का. ओके, सो दिस इज द स्ट्रेट क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड इन द UPSC एग्जामिनेशन. सो अग्निमित्र वॉज द हीरो ऑफ कालिदास मालविका अग्निमित्र, अ लव स्टोरी बिटवीन मालविका एंड अग्निमित्र. द लास्ट शुंगा किंग वॉज देवभूति. देवभूति वॉज द लास्ट किंग. ही वॉज अ प्रिसीडेड ऑफ भागभद्र. नाउ गाइज, दीज नेम nomenclatures आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर. हाउ यू आर गोइंग टू रिमेंबर दिस? वॉच द वीडियोज अगेन एंड 4 times. इफ यू वॉच दिस वीडियो यू विल रिमेंबर एवरीथिंग. ओके, नाउ देवभूति वॉज किल्ड बाई हिज ओन मिनिस्टर. हिज ओन मिनिस्टर जो है उन्होंने मारा उनको. वासुदेव कण्व. नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, क्योंकि वासुदेव कण्व ने इनको मारा जो कि इनके ओन मिनिस्टर थे. इनको मार के उन्होंने अपना थ्रोन ले लिया. मित्र पुष्यमित्र ने मौर्यन एम्पायर को ख़त्म किया था एंड वासुदेव कण्व ने शुंग डायनेस्टी को ख़त्म करके कण्व डायनेस्टी स्टार्ट किया था. सो दैट इज कब. सो देवभूति वॉज किल्ड बाई हिज ओन मिनिस्टर वासुदेव कण्व अराउंड 73 BC में उन्होंने मारा इनको. दिस एस्टैब्लिश अ कण्व डायनेस्टी एट मगध फ्रॉम 73 to 28 BC. ओके, सो क्या हो रहा है यहाँ पर? मौर्यन एम्पायर से शुंग डायनेस्टी से कण्व डायनेस्टी.
ओके, सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी वापस देखेंगे हम आगे क्या है. सो नेक्स्ट इज इंडो ग्रीक किंगडम, जो कि हम देखेंगे अभी. नाउ इंडो ग्रीक किंगडम 180 BC से 010 AD, AD के उसमें तक चला गया था. कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्ट इंडिया. नॉर्थ वेस्ट इंडिया मतलब जहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन जो चीज़ हुई थी. नाउ द ग्रीक वर द फर्स्ट फॉरेन पावर्स इन द सब कॉन्टिनेंट. जो सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहला जो पावर हुआ था वो ग्रीक लोगों का था. आफ्टर अलेक्जेंडर लेफ्ट हिज जनरल स्टेट बैक, हेंस द टर्म इंडो ग्रीक. इंडो ग्रीक मतलब अलेक्जेंडर ने हार के वो चला तो गया था, लेकिन उनके जो जनरल थे वो यहीं रह गए थे, तो उनके भी कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत है, इसलिए दैट्स वाई इंडो ग्रीक. दे बॉट द ग्रीक कल्चर मिनांडर. ग्रीक कल्चर तो लेके आया, अभी मिनांडर. मिनांडर फ्रॉम 165 टू 145 BC वॉज वेरी इंपॉर्टेंट किंग एट दिस टाइम. ओके, जिनका जिक्र बुद्धिस्ट टेक्स्ट में भी दे रखा है. ओके, इसके बारे में पढ़ेंगे हम इन पाली लिटरेचर. पाली मतलब लैंग्वेज है. ओके, पाली लिटरेचर ही वॉज नोन एज मिलिंद पन्नो. अगेन इंपॉर्टेंट, मिलिंद पन्नो इज रिटन इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट. ओके, सो मिलिंद पन्नो या फिर लाइक सब एक ही है. मिनेंडर एक ही इंसान है, मिलिंदा मिलिंद पन्नो सब एक ही है, लेकिन लैंग्वेज अलग अलग है. अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बुलाते हैं. सिक्स्थ वन इज इंडो स्काइथियंस और शाकास भी बोलते हैं इनको. ओके, सो 200 BC से 400 AD तक चला इनका रेन, लाइक 600 साल तक चला. ओके, शाकास और स्काइथियंस वर नोमैडिक सेंट्रल एशियन ट्राइब्स. नाउ दीज वर ट्राइबल्स. ओके, ट्राइबल्स ऑफ द इंडो ग्रीक रूल इन द नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ इंडिया. नॉर्थ वेस्टर्न यहाँ पर जहाँ से IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन आया था. दीज वर पुश्ड आउट फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड केम टू इंडिया. ओके, सो वहाँ से छोड़ के यहाँ पर इंडिया में एंटर किए थे लोग. द शाकास वर डिवाइडेड इनटू फाइव ब्रांचेस और इनमें से एक था अपना कुशानास. एंड जो सारे पाँच ब्रांचेस है वो इंडिया में फैलते गए. ओके, सो दैट्स वाई अराउंड 100 AD दे गिव राइज टू कुशानास एम्पायर एंड वेस्टर्न क्षत्रपास. ये भी एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है इसका. ओके, यू नीड टू रिमेंबर. नाउ विल लुक अबाउट कुशानास. कुशानास आर इम्पॉर्टेंट अगेन, जिसमें कनिष्क भी आते हैं, कनिष्का. नाउ सेवेंथ वन इज कुशानास मतलब अभी देखो, कनिष्क इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड किंग ऑफ कुशाना एम्पायर. नाउ कनिष्क आपने नाम सुना तो लग रहा है, एटलीस्ट अगर आप पिछले वीडियोस देखे तो. टेल मी हु इट इज और आस्क योरसेल्फ कि मैं क्या जानता हूं कनिष्क को. सो इफ यू डोंट नो द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो इनके अंडर हुआ था. ओके, कनिष्क के अंडर. कहां पर हुआ था? कश्मीर तो अभी का नाम है, तब का नाम क्या था? कुंदलवन. ओके, सो इसके नीचे क्या हुआ था? बुद्धिज्म महायान और हीनयान में डिवाइड हो गया था. महायान मतलब बड़े लोग जो इंटेलिजेंट लोग थे, हीनयान मतलब ऑर्थोडॉक्स पीपल जो कट्टर फॉलोअर्स हैं उनके, हार्डकोर फॉलोअर्स. At its peak, his empire extended from Khotan in northwest to Banaras in the east and Kashmir in the north to Saurashtra and Malwa in the south. Like, ये इतने अच्छे king थे कि इनका empire बहुत जगह flourish हुआ, like बहुत जगह पहुँच चुके थे ये. Okay? So the capital of his empire was Purushpur, जो कि अभी जो है वो पेशावर जो पाकिस्तान या वो अफगानिस्तान के जगह पे है ना, उधर पाकिस्तान में वो है. ठीक है, सो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल एट कश्मीर कुंदलवन शाका एरा एंड विक्रम सामवेद. नाउ आई वॉन्ट यू गाइज टू सर्च फॉर इट सिंस इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग. मैं थोड़ा सा बताता हूँ, शाका एरा इनका कैलेंडर हम फॉलो करते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनका कैलेंडर फॉलो कर 78 AD में इनका कैलेंडर स्टार्ट हुआ था. एंड विक्रम सामवेद जो कि BC में स्टार्ट हुआ था. ठीक है, सो इसलिए हम लोग शाका एरा का फॉलो करते हैं. नाउ कुशानास वाज द फर्स्ट टू इशू गोल्ड कॉइन्स. जो गोल्ड कॉइन्स है वो ये लोग फर्स्ट थे. क्यों? क्योंकि
ट्रेड बहुत फ्लरिश हो रहा था उस टाइम पे, और उस टाइम पे इतने सारी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही थी क्योंकि फॉरेन लोग जो भी इन्वेट कर रहे थे वो लोग अपना सामान ला रहे थे, हम लोग उनको अपना सामान दिखा रहे थे, जो भी ट्रेड जो भी हम लोग एक्सपोर्ट थे उस टाइम पे वो चीज़ हम उनको दे रहे थे. सो ट्रेड बहुत फ्लरिश हुआ उस टाइम पे. सो दैट्स वाई गोल्ड कॉइन्स इशू कर दिया था कनिष्का ने, विच वॉज अ वेरी ब्रेव मूव. एक्चुअली वी कैन से दैट इट वॉज द फर्स्ट टाइम वेर ट्रेड गॉट फ्लरिश्ड इन द लार्ज स्केल फ्रॉम सिल्क रूट टू हॉर्स सैडल. नाउ हॉर्स सैडल, हॉर्स सैडल क्या होता है? हॉर्स सैडल, अगर आप हॉर्स राइडिंग जानते हो तो हॉर्स राइडिंग. नाउ आई टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ. आई हैव डन माई हॉर्स राइडिंग फॉर 2 years. APS आर्मी पब्लिक स्कूल गंगानगर, श्री गंगानगर. मैं 2 साल मैंने किया है, 7th और 8th class मैंने हॉर्स राइडिंग की है. सो आई नो अ बिट. नाउ गंगानगर से आपको कुछ चीज़ याद आ रहा होगा तो सेकेंड वीडियो से, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ. कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा इज़ वन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन जिस जो फेमस है किसके लिए, बैंगल्स के लिए, बेक्ड बैंगल्स के लिए. सो आई हैव बीन टू दिस प्लेस ऑल्सो. सो मैं बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ सैडल क्या होता है. सैडल हम वापस आते हैं. सैडल क्या होता है? हॉर्स पे बैठते हम, एक लेदर का सीट टाइप होता है उसको हम सैडल बोलते हैं. ठीक है, जो हाथ में लगाम होती है उसको हम रेन बोलते हैं. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. फाइन, फ्रॉम टू इन्फेंट्री आर्टिलरीज, इन्फेंट्री आर्टिलरीज. ना आर्टिलरी क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हम पटना पाटलिपुत्र में बहुत ज़्यादा, लाइक मगध रीजन में बहुत ज़्यादा आयरन की अवेलेबिलिटी हो रही थी. तो उससे हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग आर्टिलरी बना रहे थे. सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस टाइम पे फ्लरिश हो रहा था ट्रेड उस टाइम पे. दैट्स वाई दिस पीरियड 200 AD to 200 BC, नॉट 200 BC to 200 AD इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन पीरियड. ओके, पीपल एट दिस टाइम स्टार्टेड ट्रैवलिंग. बुद्धिज्म स्टार्टेड एक्सपांडिंग इन फॉरेन. इंडियंस एट दैट टाइम स्टार्टेड शेयरिंग नॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड स्पाइसेस. ट्रैवलिंग स्टार्ट हो गया था इस टाइम पे क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ जा रहे थे, वहाँ से यहाँ आ रहे थे, टू शेयर देयर नॉलेज, टू गेट सम नॉलेज. दैट इज द थिंग. ओके, आर्यभट्टा, आर्यभट्टा के बारे में मैं बाद में मेंशन करूंगा. ओके, नाउ वी विल सी समथिंग अबाउट लिटरेचर. लिटरेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम. 8th one इज लिटरेचर. लिटरेचर, लिटरेचर मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. एक्चुअली जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन बिल्ट बाय रुद्रधमन, रुद्रधमन वन, इनके द्वारा जूनागढ़, जूनागढ़ रॉक में इंस्क्रिप्शन है. ठीक है, सो फ्रॉम वेस्टर्न क्षत्रपा, वेस्टर्न क्षत्रपा. नाउ क्षत्रपा क्या है? कुशाना जो उसमें से एक था, उनका एक था क्षत्रपा, वेस्टर्न क्षत्रपा, जो कि स्काइथियन का जो फाइव डिवाइड हुए थे ना वो. ठीक है, सो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन बिकेम द फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन लेटर. इट ऑल्सो बिकम फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन. सो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इससे. ओके गाइस, सो इट इज मेंशन दैट द रिपेयर एंड इंप्रूवमेंट ऑफ सुदर्शन लेक हैपेंड. सुदर्शन लेक हैपेंड, ये क्वेश्चन डायरेक्टली यूपीएससी ने पूछा है. यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है किसमें, CAPF. क्वेश्चन मिला तो डाल दूंगा 2020 का, दिखा दूंगा. ओके, सो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है सुदर्शन लेक पे. सो इसको किसने रिपेयर करवाया था? रुद्रधमन ने, वन ने कराया था. ओके, जूनागढ़ रॉक ऑल्सो कंटेन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका. अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका. नाउ अशोका का फर्स्ट नेम क्या है? फर्स्ट नेम क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता के, लिख के बताएंगे कि क्या है. ओके, सो इफ यू कैन रिकॉल देन यू हैव वेरी गुड ग्रास्पिंग पावर गाइज. ओके, सो चरक समिता, चरक संहिता, संहिता मतलब क्या है? चरका. एक्सटेंड आयुर्वेदा एंड लेज डाउन द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ 3 doshas. अभी दोष क्या है, दोष क्या है अपना गाइज, ये सब चीज़ें याद रखो यार. ठीक है, इसके पीछे लॉजिक समझने की कोशिश मत करो, बस याद रखो. वता पित्त एंड कफ. अभी हमको कफ होता है, पित्त होता है. ठीक है, दैट वॉज कॉल्ड एज दोष. ठीक है, चरक संहिता में, चरका जिसको भी बोलते हैं. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज दोष. आप बस नाम याद रखो, दैट्स मोर देन सफिशियंट. ओके, मिलिंद पन्नो नागसेन मिनेंडर आस्क्ड नागसेन मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू फिलोसफी.
मिलिंद पन्नो नागसेन। मिलिंद पन्नो किसको बोलते हैं? मिनेंदर को बोलते हैं, मिनेंदर को बोलते हैं जो कि ग्रीस में बोलते हैं। मिलिंद पन्नो हम इसको हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं। नागसेन मिनेंदर आज नागसेन, मिलिंद पन्नो ने नागसेन से पूछा बहुत सारे क्वेश्चन फिलॉसफी के रिलेटेड, फिलॉसफी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछा उन्होंने, एंड फिलॉसफी एंड बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के बारे में भी पूछा उन्होंने। विच टुगेदर विथ नागसेन आंसर्स आर रिकॉर्डेड इन मिलिंद पन्नो और द क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा, उधर लिखा गया है इनके बारे में। ओके सो फैक्ट नाउ विच आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट आर्यभट्टा। आर्यभट्टा नेवर इन्वेंटेड जीरो, ही नेवर इन्वेंटेड जीरो, ही वॉज द एक्चुअली इनफैक्ट ही वॉज द फर्स्ट वन टू यूज जीरो, टू यूज टू मेक यूज ऑफ जीरो, टू मेक यूज ऑफ जीरो। जीरो वॉज गिवन बाय ब्रह्म गुप्ता एट 683 BC। शून्य, शून्य का जो खोज है वो ब्रह्म गुप्ता ने किया था 683 BC में, बट द फर्स्ट वन आर्यभट्टा बिकम्स द फर्स्ट वन टू यूज द जीरो। ओके सो दैट वॉज द थिंग फैक्ट। एंड वन मोर थिंग विच आई वॉन्टेड टू टेल यू इज सातवाहना एम्पायर वॉज द साउथ डेक्कन रीजन विच वॉज उस कैपिटल वॉज सातवाहना, सातवाहना जिनका कैपिटल था पैठान, नॉट पठान पैठान। ओके सो दिस क्वेश्चन अलॉन्ग विथ सुदर्शन लेक, ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया था CAPF 2020 के एग्जामिनेशन में। सो आई फिनिश द पोस्ट मौर्यन एम्पायर एट दिस टाइम। आई गेस यू अंडरस्टूड द टॉपिक। गाइज आई वॉन्ट यू टू वॉच दिस वीडियोज अगेन एंड अगेन। इफ यू हैव गेन्ड एनी सॉर्ट ऑफ नॉलेज एंड फॉर माई हार्ड वर्क यू कैन सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर टू ऑल दोज हु आर वर्किंग फॉर UPSC. Okay, so I'll meet you in next video. Till then, take care. Bye-bye.